सभी साथियों को नमस्कार। राजस्थान मौसम की ताज़ा खबरों में आपका हार्दिक स्वागत है। पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी में बने मौसमी सिस्टम के कारण बीते 24 घंटे से ही राजस्थान के कई अलग अलग क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही शुरू हो गई है। कहीं कहीं पर दोस्तों रुक रुक कर बारिश का दौर भी शुरू हो गया है। दोस्तों आगामी 24 से 48 घंटों तक ये दोनों मौसमी सिस्टम राजस्थान के कौन कौन से ज़िलों को प्रभावित करते हुए नजर आएंगे, कहां कहां पर दोस्तों इन मौसमी सिस्टमों के कारण आपको ज़ोरदार बारिश देखने को मिलेगी और कौन कौन से ज़िलों में मौसम पूरी तरह से साफ रहने का अनुमान है। साथ ही दोस्तों अरब सागर में बना नया मौसमी सिस्टम राजस्थान को कितने दिनों बाद प्रभावित करता हुआ नजर आएगा, इसके बारे में भी दोस्तों बिल्कुल विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि मौसम संबंधित प्रत्येक जानकारी का नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम टू टाइम अपडेट होता रहे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बीते 24 घंटे में आपको इन मौसमी सिस्टमों के कारण कहां कहां पर कितने सेंटीमीटर बारिश देखने को मिली थी। सीकरी भरतपुर में आपको 8 सेंटीमीटर बारिश देखने को मिली। सोडावास अलवर में 7, राजगढ़ अलवर में 3, बनस्तरी टोंक में 3, कोटकासिम अलवर में 3, गंगाधार झालावाड़ सीकर तहसील और बांसूर अलवर श्री माधोपुर सीकर डीग भरतपुर में आपको 2-2 सेंटीमीटर बारिश देखने को मिली। जम्बारामगढ़ जयपुर और सीकर तहसील झुंझुनू तहसील मंडावर अलवर बस्सी जयपुर में आपको 1-1 सेंटीमीटर बारिश देखने को मिली। इसके अलावा भी दोस्तों आपको भरतपुर और जयपुर संभाग के कई अलग अलग क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश का दौर देखने को मिला था। पश्चिमी राजस्थान में भी दोस्तों कुछ स्थानों पर आपको गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर चूरू में आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही के साथ कई स्थानों पर छुटपुट बारिश का दौर भी देखने को मिला था। दोस्तों जैसा आपको पुरानी वीडियोज में अवगत कराया है, सेम कंडीशन बीते 24 घंटे में आपको राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में देखने को मिली है। जोधपुर और उदयपुर संभाग के ज़्यादातर जिलों का मौसम साफ देखने को मिला। चिलचिलाती धूप और उमस का दौर इन दोनों संभागों में नजर आया था। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आगामी 24 से 48 घंटों तक आपको राजस्थान में कहाँ कहाँ पर किस तरह की मौसम की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। दोस्तों एक तरफ से तो ये पश्चिमी विक्षोभ और दूसरी तरफ से बंगाल की खाड़ी में बना मौसमी सिस्टम, ये दोनों सिस्टम दोस्तों राजस्थान के अधिकांश जिलों को प्रभावित करते हुए नजर आएंगे। इन मौसमी सिस्टमों के कारण सर्वाधिक बारिश आपको दोस्तों भरतपुर संभाग जयपुर संभाग और बीकानेर संभाग के अधिकांश क्षेत्रों में देखने को मिलेंगी। वहीं दोस्तों कोटा संभाग और उदयपुर और अजमेर संभाग में भी मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियाँ कई स्थानों पर आपको नजर आएंगी। दोस्तों बंगाल की खाड़ी में बना मौसमी सिस्टम, सर्वाधिक बारिश आपको भरतपुर संभाग के भरतपुर करौली धौलपुर और सवाई माधोपुर जिलों में करता हुआ नजर आएगा। बीते 24 घंटे से ही दोस्तों लगातार यहां पर बादलों की आवाजाही जारी है, कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश का दौर भी बना हुआ है। जयपुर संभाग के भी दोस्तों अलवर दौसा जयपुर सीकर झुंझुनू जिले इस मौसमी सिस्टम से सर्वाधिक प्रभावित हुए आपको नजर आएंगे। यहाँ पर भी दोस्तों आपको कई स्थानों पर लगातार मौसम में भारी बदलाव देखने को मिलेगा और कुछ स्थानों पर भयानक बारिश का दौर आपको नजर आएगा। तापमान में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। जयपुर और भरतपुर संभाग के अधिकांश जिलों का तापमान आपको 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच ही देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों अगर बीकानेर संभाग की बात करें तो बीकानेर संभाग को नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि WD प्रभावित करता हुआ नजर आएगा, जिसके कारण दोस्तों आपको बीकानेर गंगानगर हनुमानगढ़ और चूरू जिलों का मौसम प्रभावित हुआ नजर आएगा। यहां पर कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश का दौर देखने को मिलेगा। कुछ स्थानों पर दोस्तों यहाँ पर खंड बरसात भी देखने को मिल सकती है। पुरानी वीडियोज में जो लोग बीकानेर गंगानगर हनुमानगढ़ और चूरू जिलों से कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर हमारे यहाँ पर कब तक भारी बारिश होने के आसार हैं, तो दोस्तों आपको निश्चित रूप से ही आगामी 24 घंटे में बीकानेर संभाग के कई अलग अलग क्षेत्रों में लगातार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। अजमेर संभाग का मौसम भी दोस्तों आज से बदल जाएगा, यहाँ पर भी लगातार बादलों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। टोंक और भीलवाड़ा और अजमेर के कुछ क्षेत्रों में आज छुटपुट बारिश का दौर देखने को मिलेगा। दोस्तों मौसम संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम ID गोला सरदारी 7239 है, जहां पर आप दोस्तों हमें फॉलो करके वहां से भी आप मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
कोटा संभाग में दोस्तों मौसम में यहाँ पर बदलाव हो चुका है। यहाँ पर बादलों की आवाजाही शुरू हो गई है। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिलों में आज कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। वहीं दोस्तों उदयपुर संभाग में भी मौसम में भारी बदलाव देखने को मिलेगा और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों में आज कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश की नज़र आएगी। इन दोनों संभागों में एक बार फिर से मौसम में भारी बदलाव देखने को मिलेगा। तापमान यहाँ पर एक बार फिर से आपको गिरा हुआ नजर आएगा। दोनों संभागों का टेम्परेचर लगभग दोस्तों आपको 26 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच नज़र आएगा। जोधपुर संभाग की अगर दोस्तों बात करें तो जोधपुर संभाग के ज़्यादातर जिलों का मौसम पूरी तरह से साफ देखने को मिलेगा। उमस और गर्मी के दौर में यहाँ पर थोड़ी बढ़ोतरी आपको जरूर देखने को मिलेगी। जोधपुर संभाग के दोस्तों राजसमंद, पाली, सिरोही, जालौर और जैसलमेर, जोधपुर जिलों के टेम्परेचर आपको लगभग यहाँ पर दोस्तों ज़्यादातर स्थानों पर 28 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच देखने को मिलेगा। कुछ दिनों बाद दोस्तों एक नया मौसमी सिस्टम जो कि अरब सागर में बनने वाला है, इसके कारण गुजरात और महाराष्ट्र, राजस्थान के भी कुछ क्षेत्र इस मौसमी सिस्टम से प्रभावित हुए आपको नजर आएंगे। अरब सागर में बनने वाले इस मौसमी सिस्टम का इफेक्ट आपको दक्षिणी राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में सर्वाधिक देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों जोधपुर और कोटा संभाग भी इस मौसमी सिस्टम से आंशिक रूप से प्रभावित हुए नजर आएंगे। आगे जैसे ही इसके नए नए अपडेट आएंगे तो आपको लगातार वीडियोज़ के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। अब दोस्तों हम आपको ले चलते हैं IMD की ऑफिशियल साइट पर, जहाँ से संपूर्ण न्यूज़ बिल्कुल प्रूफ के साथ प्रोवाइड करेंगे और दोस्तों आपको बताएंगे कि IMD ने कहाँ कहाँ पर किस तरह के हाई अलर्ट आगामी 24 से 48 घंटों के लिए जारी कर दिए हैं। दोस्तों आप IMD की ऑफिशियल साइट पर हो, यहाँ पर बात करेंगे 23, 24 और 25 सितंबर के मौसम के बारे में। 23 सितंबर को दोस्तों यहाँ पर अगर राजस्थान की स्थिति को देखें तो यहाँ पर पूर्वी राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में IMD ने बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर धौलपुर, भरतपुर, खरौली, सवाईमाधोपुर, अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अजमेर और दोस्तों इसके अलावा भी आपको टोंक, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, साथ ही दोस्तों यहाँ पर प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर और दोस्तों यहाँ पर ये जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर अधिकांश जो क्षेत्र हैं इनमें आपको बारिश का येलो अलर्ट देखने को मिल रहा है। इससे स्पष्ट है कि दोस्तों पूर्वी राजस्थान के पांचों संभागों में बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिलेंगी। जयपुर, भरतपुर, कोटा और अजमेर, उदयपुर संभाग में बारिश की गतिविधियां लगातार आपको देखने को मिलेंगी, जबकि दोस्तों पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश क्षेत्रों का मौसम 24 घंटे तक भी आपको शुष्क देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर 24 सितंबर के मौसम के बारे में। 24 सितंबर को दोस्तों यहाँ पर अगर राजस्थान की स्थिति को देखें तो दोस्तों 24 सितंबर को सर्वाधिक मौसम में बदलाव आपको बीकानेर संभाग में देखने को मिलेगा। बीकानेर संभाग के दोस्तों बीकानेर और गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू जिलों में बारिश का येलो अलर्ट IMD ने जारी कर दिया है। साथ ही दोस्तों अजमेर संभाग के नागौर, अजमेर और टोंक, भीलवाड़ा के आसपास का ये जो क्षेत्र है यहाँ पर भी दोस्तों IMD ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इन दोनों संभागों में सर्वाधिक को मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। भारी से अति भारी बारिश कई स्थानों पर नजर आएगी। कुछ स्थानों पर खंड बरसात आपको देखने को मिल सकती है। जयपुर संभाग के भी दोस्तों जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू में भी अच्छी खासी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों यहां पर कोटा संभाग की बात करें तो कोटा संभाग के भी कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिले इस मौसमी सिस्टम से सर्वाधिक प्रभावित हुए आपको नजर आएंगे। दोस्तों इससे स्पष्ट है कि आपको जोधपुर संभाग के ज्यादातर जिलों को छोड़कर शेष राजस्थान के 6 संभागों में आपको इस मौसमी सिस्टमों के कारण 24 सितंबर को कई स्थानों पर लगातार तो दोस्तों कहीं कहीं पर रुक रुक कर बारिश का दौर देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं यहां पर 25 सितंबर के मौसम के बारे में। 25 सितंबर को दोस्तों यहां पर अगर राजस्थान की स्थिति को देखें तो दोस्तों यहां पर थोड़ी बारिश की जो गतिविधियां हैं ये धीमी आपको देखने को मिलेंगी। सिर्फ दोस्तों आपको उदयपुर संभाग और कोटा संभाग के कुछ क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। बीकानेर संभाग, जोधपुर और दोस्तों जयपुर, अजमेर संभाग के ज्यादातर जिलों का मौसम एक बार फिर से साफ हो जाएगा। भरतपुर संभाग में कहीं कहीं पर आपको खंड बरसात देखने को मिल सकती है। दोस्तों ये मौसमी सिस्टम कुछ इस तरह से ही आपको प्रभावित करते हुए नजर आएंगे। राजस्थान में रुक रुक कर ये बारिश का दौर लगभग 5 अक्टूबर तक इसी तरह से देखने को मिलेगा। जो लोग पुरानी वीडियोज में कॉमेंट करके पूछ रहे थे कि सर ये भारी बारिश का सिलसिला कब तक और राजस्थान में देखने को मिलेगा,
कहीं पर तो दोस्तों ज़्यादा बारिश के कारण लोग परेशान हैं, तो दोस्तों कहीं पर नहीं बारिश होने के कारण परेशान हैं। तो दोस्तों आपको राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में ये खंड बरसात लगातार 5 अक्टूबर तक ऐसे ही देखने को मिलेगी। 5 अक्टूबर के बाद से एक बार फिर से राजस्थान के ज़्यादातर जिलों में जो भी मौसमी सिस्टम बने हुए हैं ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे और राजस्थान का मौसम बिल्कुल शुष्क, सुहावना और साफ देखने को मिलेगा। दोस्तों आगे जैसे ही ये जो अरब सागर है या इसमें यहाँ पर दोस्तों एक नया मौसमी सिस्टम बनने वाला है जो कि आगामी दिनों में गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिणी राजस्थान के अधिकांश जिलों को प्रभावित करता हुआ नजर आएगा। इसके बारे में भी आपको लगातार वीडियोज़ के माध्यम से अपडेट करा दिया जाएगा।